कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? जहां पना, मेरा नाम सैफ अली है, एक किसान हूं। बोलो। मैं थोड़े से पैसे कमाकर सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। 6 महीने पहले तक मैं अपनी बीवी के साथ खुशी से रह रहा था, फिर वो चल बसी। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। फिर क्या हुआ? बीवी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल मायूस हो गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी कोई औलाद भी नहीं, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। और एक दिन काजी अब्दुल्ला मुझे मिले। सैफ अली, तुम इतने दुखी और मायूस क्यों लग रहे हो? आप जानते हैं काजी साहब, कुछ दिन पहले मेरी बीवी चल बसी और अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं। अरे अरे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा की खुदाई कमाल है, तुम्हें इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। तुमने सारी जिंदगी मेहनत की है, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अजमेर चले जाओ। खुदा के फजल से तुमको जीने का एक नया मकसद मिलेगा। जी काजी साहब, आप ठीक कहते हैं, मुझे यही करना चाहिए। मैं अजमेर चला जाऊंगा, फिर ख्वाजा के दरबार से ही मुझे जीने का नया मकसद मिलेगा। शुक्रिया काजी साहब। मैं घर गया और अगले दिन अजमेर जाने की तैयारी करने लगा। पर उस रात मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी का क्या करूंगा, उसे कहां छोड़कर जाऊं, पैसों के लिए मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं। फिर मुझे काजी अब्दुल्ला का ख्याल आया। मैंने सोचा काजी साहब पर मैं भरोसा कर सकता हूं। तो मैं अगले दिन उनके घर गया और उनसे मेरे लौट के आने तक मेरी जमा पूंजी अपने पास रखने की दरख्वास्त की। सैफ अली, तुम्हारे आने तक ये थैला मेरे पास रहेगा, पर पहले मेरे सामने इस पर मोहर बंद लगा दो, ताकि तुम्हें इत्मीनान रहे कि इसे किसी ने नहीं खोला। तो मैंने उस थैले को उनके सामने मोहर बंद कर दिया और उन्होंने वो थैला अपने पास रख लिया। मैं अजमेर से लौटा ये फैसला करने के बाद कि अब बाकी की जिंदगी बच्चों को अल्लाह और इबादत के बारे में सिखाने में गुजारूंगा, अपनी जमा पूंजी पर गुजर कर लूंगा, ये सोचकर मैं काजी साहब के पास मेरे पैसे लेने गया। मुझे खुशी है कि तुमने अब अपनी बाकी जिंदगी बच्चों को धर्म और खुदा के बारे में तालीम देने का फैसला किया है। ये लो, मैंने तुम्हारे पैसे को हिफाजत से रखा है। जरा जांच लो, मोहर ठीक है ना? शुक्रिया काजी साहब मेरे पैसों की देखभाल करने के लिए, मोहर वैसे ही है। आपका फिर से शुक्रिया। ओह या खुदा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? क्या हुआ सैफ अली, बच्चों को पढ़ाने में सलाह चाहिए? फिर से कैसे आना हुआ? काजी साहब, घर जाकर जब मैंने वो पैसों का थैला खोला तो मेरे रखे हुए सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ कुछ पत्थर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मेरे पास रखने से पहले वो थैला मुझे खोल के दिखाया था? क्या खुद तुमने मोहर नहीं लगाई थी? फिर यहाँ आकर मुझसे ये बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब जाओ यहाँ से और दूर हो जाओ मेरी नजरों से। काजी साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं उन पैसों के बिना अपना बुढ़ापा कैसे गुजारूंगा? तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगा। निकल जाओ। आपके पास आने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर, आप ही मेरे पैसे वापस दिला सकते हैं। काजी साहब जैसे ऊंचे अफसर से सिर्फ आप ही मुझे पैसे वापस दिला सकते हैं। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम इस मामले में सच का पता लगा सकते हो? हुजूर, मैं कुछ और जानना चाहूंगा, क्या तुम्हारे पास वो थैला है? हुजूर, मुझे इस मामले में सच जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। यकीनन बीरबल, इस बीच सैफ अली, तुम हमारे मेहमान बनकर रह सकते हो, पर अगर हमें ये पता चला कि तुम झूठे हो,
तो तुम्हें लंबे समय तक हमारे कैदखाने का मेहमान बनना पड़ेगा। शुक्रिया जहांपनाह, मैं आपको जबान देता हूँ कि मैंने सिर्फ सच और सिर्फ सच ही कहा है। सेवकराम। जी जनाब। सेवकराम, ये मेरी पसंदीदा पोशाकों में से एक है, थोड़ी फट सी गई है। तुम शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगा सकते हो जो इसे रफू कर सके। रफू इस तरह से होनी चाहिए कि पोशाक सिल भी जाए और सिलाई भी नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, मैं अभी बाजार जाकर पता लगाता हूँ। मैं जरूर किसी अच्छे दर्जी को ढूंढ लूंगा जो ये काम कर सके। नहीं सेवकराम, मुझे एक अच्छा दर्जी नहीं, सबसे अच्छा दर्जी चाहिए। तुम इस शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाओ। बहुत बढ़िया, पता ही नहीं चल रहा है कि यह पहले फटी हुई थी। और रफू भी कमाल का किया है, कोई आसानी से पता नहीं लगा सकता। बताओ ये काम किसने किया है? जनाब, गोपाल नाम का एक दर्जी है, उसी ने यह काम किया है मेरे लिए। मैंने जिनसे भी पूछा सब ने उसी का नाम बताया। बहुत खूब, तुम उससे कहो कि वो मुझसे आकर यहां मिले, मुझे और कपड़ों की रफू करवानी है। क्या तुमने सैफ अली के मामले में सच का पता लगा लिया या कुछ और वक्त चाहिए? हुजूर, मैंने सच का पता लगा लिया है। आप सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को यहां बुलवा लीजिए, मैं सारी सच्चाई आपके सामने रख दूंगा हुजूर। जरूर बीरबल। सिपाहियों, सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। सैफ अली, क्या यह वही थैला है जो तुमने काजी अब्दुल्ला के पास रखवाया था? जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। काजी साहब, क्या आप इस थैले को पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही थैला लगता है। और ये मोहर भी मेरी बेशक अभी खुली है, पर इसी ने उस पर ये मोहर लगाई और वापस लेने से पहले इसी ने इसे जांच करके देखा, तब ये खुली नहीं थी। थैले में क्या था मैंने देखा भी नहीं। ये कहता है सोने के सिक्के थे, मैं कैसे यकीन कर लूं हुजूर? ये झूठ भी तो बोल सकता है। गोपाल दर्जी को जल्द बुलाया जाए। गोपाल दर्जी, दरबार में पेश हो। हमें बताओ गोपाल, क्या हाल ही में तुमने काजी अब्दुल्ला का कोई काम किया है? जी जहांपनाह, काजी अब्दुल्ला ने मुझसे अपना पैसे का थैला रफू करवाया था जो फट गया था। हुजूर, काजी अब्दुल्ला को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने सैफ अली के थैले को काट कर उसमें से पैसे निकाल लिए, फिर उसने पैसों की जगह पत्थर रख कर गोपाल से रफू करने को कहा। झूठा और धोखेबाज है। जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। इतने बड़े ओहदे पर रहकर तुम ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? लोग तुमसे सलाह और मदद की उम्मीद रखते हैं और तुम धोखेबाजी करते फिरते हो। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें 1 साल कैद की सजा देते हैं। सिपाहियों, बंद कर दो इसे कैद खाने में। सैफ अली, फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे और तुम्हारे नेक काम में हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जहां तुम बच्चों को मजहबी तालीम दे सको। जाओ, खुदा खैर करे। शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया राजा बीरबल।
बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी सूझबूझ और पार्क की नजर ने एक चोर और धोखेबाज को पकड़ा। तुम्हें काजी की करतूत पर शक कैसे हुआ? हुजूर, जब मैंने सैफ अली को ये कहते हुए सुना कि काजी ने उससे थैली को मोहर बंद करके उसे जांचने को कहा, तभी मैं समझ गया कि पैसे किसी और चालाकी से निकाल लिए गए थे। इसलिए मैंने थैली की ध्यान से जांच की और ये सिलाई देखी। अब सिर्फ शहर के सबसे अच्छे दर्जी का पता लगाने की देर थी हुजूर। शाबाश बीरबल, शाबाश, तुमने फिर नई मिसाल कायम की, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।